ये मेरी चेकबुक है जिसमें देखिए कई सारे चेक हैं जिन्हें भर करके मैं अपने अकाउंट से पैसे निकालती हूँ, या मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मैं ये चेक भर करके उसको दे सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने कई सारे चेक भरे हुए हैं और अब मुझे इनका रिकॉर्ड रखना है कि मैंने कब कब किसको कितने अमाउंट का चेक दिया था। तो ये देखिए इसमें चेक नंबर ये है 277425, ये चेक नंबर है और मैंने इस डेट को ये चेक दिया था 1 सितंबर 2016 को श्याम लाल को, मैंने 5 लाख अमाउंट का चेक दिया था। तो अब मैं इसका रिकॉर्ड कैसे रखूंगी, ये मेरी चेकबुक है इसको मैं खोलूंगी। तो देखिए सबसे पहले ही पेज पर आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड स्लिप है ये, जिसमें आप अपने सभी चेक जो भी आप देते हैं किसी को आप उसकी डिटेल भर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले है चेक नंबर, तो मैं यहाँ पर इस वाले चेक का नंबर डालूंगी, डेट जो उस चेक में डेट पड़ी हुई है वो डेट डालूंगी, इन फेवर ऑफ मैंने किसको वो चेक दिया है, तो मैंने ये भर लिया है श्याम लाल को दिया है, चेक अमाउंट कितना है तो ये मैंने अमाउंट भर लिया है। इसी तरह से मैंने सभी चेक भर लिए हैं जो जो मैंने अपनी चेकबुक से निकाले हैं, चाहे मैंने उससे अपने अकाउंट से खुद ही पैसे निकाले हों या मैंने किसी और को दिए हों, तो वो सबकी डिटेल मैंने भर दी है। और एक बहुत जरूरी बात दोस्तों कि अगर गलती से कोई चेक आपने गलत भर दिया है और उसको कैंसिल कर दिया है, फाड़ कर फेंक दिया है, तो वो भी अपनी रिकॉर्ड स्लिप पर जरूर नोट करिए कि चेक नंबर क्या था और आपने कैंसिल कर दिया है उसको। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्ड स्लिप का आप यूज कैसे करेंगे। तो हमेशा अपने चेक का रिकॉर्ड रखिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।